कल भी हम डिमांड के ऊपर मौजम खान साहब को जो है बहुत सारे रिप्लाईज दिए हैं, थोड़े उसमें फिर से आप क्वेश्चंस पूछे हैं सर, और आंकड़े भी बहुत मांगे साहब, जब का तब आंकड़े मिलना बोले तो मुश्किल है। जरूर मैं भिजा दूंगा, मगर ज्यादा से ज्यादा मैं कोशिश करूंगा कि आपके पूरे सवालों को रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा साहब। अब हम खम्मम से साहब, हमारे पास मुसलमान बहुत होते हैं तो उर्दू में बोलने के लिए कोशिश करता हूं, कोई अगर गलती हो गया तो माफ कर दीजिए साहब। ये आप बोले ऐसा, ये जो मिनी बसेस के बारे में जो कल भी जिक्र हुई थी, आज भी जो आपने बताया था, मिनी बसेस को क्यों नहीं चला रहे करके साहब, अब आपका ओल्ड सिटी नहीं रहा साहब। आप और आपके अकबरुद्दीन साहब और आप एमएलए और हमारे केटीआर साहब पूरे मिलके जो है रोडों को इतना वाइडन कर दिया और ऐसे ऐसे शानदार फ्लाईओवर बना दिए हैं कि वहां पे छोटे छोटे बसों घुसे घुसने की जरूरत नहीं साहब, बड़े बड़े मेट्रो आ रहे साहब, 500 करोड़ साहब। मैं बताता हूं साहब, मैं आपका भी सवाल जरूर जरूर मैं बताता हूं साहब आपको। जो है जो मिनी बसेस जो है इससे पहले हम चला रहे थे, अब जो उसके उसके जगह पे जो साहब बड़े बड़े बसेस ही चला रहे। मिनी बस को क्या है साहब चलाने में तक दिक्कत क्या है बोली तो, उसको जो है अर्निंग पर किलोमीटर जो है बहुत कम आता, तो बड़े बस को चलाया तो ज्यादा पैसेंजर को ले जा सकते हैं, और आपके वैसे भी अभी सड़क ठीक हो गए इसके वजह से बड़े बसेस ही चला रहे। कुल मिला के आपके ओल्ड सिटी में साहब 2014 से लेके अब तक जो है खाली 98 बसेस कम करे हैं, उसमें मिनी बसेस जो कम करे हैं 20-25 ही कम करे हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे को एक लेटर दीजिए, अगर कोई जगह पे मिनी बसेस अभी चलाना है तो हम जरूर जो है रिज्यूम कर देंगे, मगर आप हमारे बलाला साहब भी इशारा कर रहे हैं, जरूर आपका भी हम सुनेंगे। मगर क्या है साहब आरटीसी में अभी यह हालत है कि 2 साल पहले जो है साहब डीजल का जो है 62 रुपये डीजल का प्राइस था, अभी जो है 98 रुपीज डीजल का प्राइस हो गया सर। इसमें ज्यादा मतलब एक हर रोज जो है 1 करोड़ 80 लाख का घाटा सिर्फ डीजल की भाव बढ़ने से ही कारपोरेशन को घाटा आ गया है। और इसके अलावा हमारे मौजूद काम साहब बोले हैं जरूर जो है हर एक जो है मुनाफा में चलता बोले तो, कारपोरेशन को मुनाफा में चलना ही जरूरी है सर, मुनाफा में नहीं चले तो अब क्या करेंगे सर। अब ये साल जो है 1500 करोड़ रुपया हमारे बुजुर्ग हमारे सीएम साहब जो है आरटीसी को दिए, पिछले साल 1500 करोड़ रुपए दिए और उसके अलावा और 1500 करोड़ रुपए जो है लोन गारंटी दिए, उससे पहले साल जो है 1000 करोड़, माई मिनिस्टर बनने के बाद साहब 4500 करोड़ रुपए जो है हमारे एक्सचेकर से जो है कि आरटीसी को दिए। कौन सा ऐसा हुकूमत था सर जी जो आरटीसी को इतना पैसा जो इससे पहले दिया सर, कोई हुकूमत नहीं दिया सर। इसको बचाने के लिए हमारे साहब जो है जिद्दोजहद लड़ रहे हैं, इसके वजह से जो है आपको जितना इसमें मतलब आरटीसी के ऊपर जो जो दर्द है जो आप जो बता रहे हैं हम उससे ज्यादा जो है हमारे को उसके ऊपर कंसर्न है सर। आप बोले ऐसा जो अगर कोई एक आध रूट में अगर आपको मिनी बसेस चाहिए तो आप मेरे को आप जिक्र करिए साहब, जरूर मैं वो ये करता हूं। और दूसरी बात है आप जो आंकड़े जो मांगे हैं सर उसमें एक जरूरी कहना है कि आज तक जो है कोई डिपो क्लोज नहीं हुआ है सर। अब वो जीएचएमसी होन दीजिए या पूरा स्टेट होन दीजिए, जितने भी 97 डिपोज है 97 के 97 डिपोज चला रहे सर, कोई ऐसा एक भी डिपो नहीं है जो है हम बंद करे सो है। और उसके अलावा जो है हमारे मुमताज अहमद खान साहब जो आप जिक्र करें हैं साहब, आपके पास जो बस स्टैंड था वो जो पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट में जो है उसको डिमोलिशन कर दिया है, तो पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट में जो डिमोलिशन हुआ है उसके वजह से जो है वहां पे हमारे को बस स्टैंड नहीं रहा। बस स्टैंड अगर रहता था तो चारमीनार, अब चारमीनार में क्या हो गया सर, वो हेरिटेज बिल्डिंग हो गया, उसके वजह से पोल्यूशन के वजह से जहां वहां पे बसा चलाना नहीं है बोल के डिसीजन लिए हैं। अगर आप समझो वहां पे फिर बस स्टैंड बनाने के लिए वो जगह जो जेएचएमसी को दिया गया था उसमें अगर हम हमारे को सौंप दिया तो हम जरूर जो है वहां पे बस स्टैंड बनाएंगे और वहां से जो है बसें चलाएंगे। जैसे हमारे आपने जो जिक्र किया है हमारे म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर साहब भी राजी है, तो उन्होंने जेएचएमसी के तरफ से जो है आपने आपने जो बताया है उसके लिए उन्होंने साहब भी एग्री हुए हैं, जरूर हम जो है मतलब मेरा इशारा चिरना ले नहीं घटिस्तान चपते ले सारे घटिस्तान उन्होंने खुद बना के दे तुम बोल के बोले साहब। बहुत शुक्र गुजार हूं हम म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर साहब को और ओल्ड सिटी एमएलए को। और दूसरी बात है साहब, मैं आपको कल के हमारे डिमांड में भी बताया साहब, जो पीआरसी साहब पहले जो पीआरसी दिया था तब जो है एम्प्लॉयज को जो है 43% फिटमेंट दिया, तो आरटीसी को 44% फिटमेंट दिया था साहब। हमारे साहब बड़े बहुत दिल के बहुत बड़े आदमी है साहब हमारे सीएम साहब, इसके वजह से 44% फिटमेंट दिए थे। मगर क्या हुआ साहब, जब वो डिवीजन ऑफ द स्टेट हुआ था
तभी जो है इतने सारे घाटे जो है एपीएसआरटीसी कंबाइंड था तो बहुत लॉसेस एक्रूड था, वो जो डिवीजन के बाद टीएसआरटीसी को जो है जो दिए हैं वो लॉसेस के साथ ही हमारे को दिए, उसमें ये जो डीजल का प्राइस बढ़ने से वो सेंट्रल गवर्नमेंट में वो लोग जो जिस तरीका से पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा है उसके बहुत असर जो है हमारे वो आरटीसी के ऊपर गिरा है, इसके वजह से जो है घाटा में जा रहा। और तीन तीन का कोविड सिचुएशन है साहब, ये तीन कोविड सिचुएशन में क्या हो गया साहब, पब्लिक का ट्रांसपोर्ट मोड बदल गया साहब, वो आरटीसी बसेस में जाने के लिए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करने के लिए इरादा नहीं कर रहे थे, तो खुद अपने जो है गाड़ियां खरीद रहे हैं, दो टू व्हीलर और फोर व्हीलर के गाड़ियों में जा रहे हैं, इसके वजह से जो है हमारे बसेस का जो ऑक्यूपेंसी कम हुआ। इससे पहले ग्रेटर हैदराबाद सिटी में जो है 33 लाख पैसेंजर जो है आरटीसी चलाती, मगर अब जो है 22 लाख हो गया, मतलब इसका। और उसके अलावा जो है आपको जो एक बेहतरीन जो है जीएचएमसी एरिया में मेट्रो आ गया, उस मेट्रो के वजह से जो है सर पीक टाइम में 5 लाख पैसेंजर जो है मेट्रो में जा रहे थे, अब तो कोविड के बाद 3 लाख पैसेंजर जा रहे हैं। अब आपको जो है ओल्ड सिटी में अभी भी मेट्रो और 500 करोड़ रुपए इसी बजट में लगा दिया, तो इसके वजह से जो है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ज्यादा अवेलेबिलिटी होने की वजह से जो है सिटी में जो है पैसेंजर जो है आरटीसी में ट्रैवल करने वाले कम हो गए, उसके मुताबिक से थोड़ा ये 689 बसेस ही खाली जो है कम करे सो है सिटी के अंदर जो है। अगर जरूरत है तो आपको जो कहीं भी रूट्स में अगर मिनी बसेस या कोई बसेस को रिज्यूम करने के लिए तो जरूर हम जो रिज्यूम करेंगे, मगर हालात ये है, हालात आरटीसी का हालात ठीक नहीं, अल्लाह ताला से मैं भी दुआ कर रहा हूँ, आप भी जरा दुआ करिए हमारा हालात ठीक हो जाएगा जल्द से जल्द जो है, ये पूरे जो है मतलब आरटीसी के जो है तकलीफा दूर हो जाएंगे। और दूसरी बात है सब మా అనసూయ గారు కూడా మరి గతంలో కూడా అడిగారు, ఇప్పుడు కూడా అడిగారు, ములుగు కొత్త జిల్లా అయింది, బస్ డిపోను బస్ స్టాండ్ కావాలని తప్పకుండా అక్క మేము కూడా పరిశీలన చేస్తా ఉన్నాం, చాలా మంది ఎమ్మెల్యేలు నేను ఈ 3 సంవత్సరాల్లో చాలా మంది అడిగారు, చెన్నూరు అడుగుతా ఉన్నాడు తమ్ముడు, తప్పకుండా ఆర్టీసీ అందరు అడుగుతున్నారు, దండం పెడుతున్నారు అందరికి, కొంచెం మమ్మల్ని గాలి పీల్చుకొని కొంచెం ఇప్పుడిప్పుడే ఫస్ట్ కి జీతాలు ఇచ్చే పరిస్థితికి వచ్చినాం, మళ్ళా ఆర్టీసీ బాగుపడిన వెంటే క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద తప్పకుండా మేము దృష్టి పెడతాం, ఈవెన్ బస్సులు కూడా కొనాలని ఉన్నది మాకు, ఇప్పుడు మా సభ్యులు చెప్తున్నట్టు కొత్త బస్సులు కొనాలని ఉన్నది, కొత్త బస్సులు కొనే దాంట్లో కూడా మా కేటీఆర్ గారు కూడా డబుల్ డెక్కర్ బస్సులు పెట్టాలి సిటీలో, ఆ పాత హెరిటేజ్ తీసుకురావాలని చెప్పి డబుల్ డెక్కర్ బస్సులు పెట్టాలంటే కనీసం 10-15 బస్సులు కూడా డబుల్ డెక్కర్ బస్సులు కొనే పరిస్థితి లేకపోతే వారే పెద్ద మనం చేసుకొని వారే హెచ్ఎండిఏ నుంచి ఒక 10 బస్సులకి డబుల్ డెక్కర్ బస్సులు కూడా ఇస్తామని చెప్పి చెప్పారు, తప్పకుండా కొత్త బస్సులకు కూడా మరి కొద్దిగా మరి వెసులుబాటు తీసుకొని తప్పకుండా చేస్తాము, అట్లనే మరి అనసూయ గారు చెప్పినట్టు మేము మా మేడారం జాతరలో అక్క మేము డబుల్ డెక్కర్ మా బస్సుల వల్ల మాకు ఆదాయం రాలేక మేము ఇంకా సర్వీస్ చేసినాం, 11 కోట్ల రూపాయలు మాత్రమే ఆదాయం వచ్చింది, 2763 బస్సులని దాదాపు 11 లక్షల మంది ప్యాసింజర్లని ఆ అమ్మలు దర్శనం కోసం అని చెప్పి భక్తులకి మేము సౌలత కల్పించినాం, కాబట్టి అందులో మాకు మాత్రం ప్రాఫిట్ ఏం రాలేదు, మేము కష్టపడి ఇంకా ఎక్కువ సర్వీస్ చేసినామని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ తప్పకుండా మీరు అడిగిన ప్రశ్నలకి ఏవైతే సమాధానం అంకెల రూపంలో అడిగారో అవి కూడా తప్పకుండా మీకు కమ్యూనికేట్ చేస్తామని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం.